स्टार्ट विद बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट। इस लेक्चर में नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहले पढ़ेंगे, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज एंड इट्स यूनिट, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका करेंट के साथ में रिलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ एंड कंडक्टेंस, कार्बन रेजिस्टर्स कैसे होते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, और ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स पढ़ेंगे। ठीक है, हमको नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले देखो क्या होता है। देखो हम इलेक्ट्रिसिटी का जानते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एक मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, इसका यूज़ हम लोग लाइटनिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, कुकिंग में, कम्युनिकेशन में, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स इन फैक्ट्रीज में हम लोग इसे यूज़ करते हैं। बहुत सारी आपकी फैक्ट्रीज जो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक बेस्ड होती हैं, ऑलमोस्ट मेजोरिटी फैक्ट्री जैसे होती है जो कि इलेक्ट्रिक बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिसिटी का नेचर होता कैसा है इसको समझने के लिए देखो क्या होता है कि हम लोग कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, कोई ना कोई कंडक्टर या फिर कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के मीडियम चाहिए होता है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के नेचर को समझने के लिए पहले मीडियम को समझना होगा। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा मैंने, टू अंडरस्टैंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो जानते हो हर एक सब्सटेंस होता है, कोई भी सब्सटेंस ले लो, यूनिवर्स में कोई भी सब्सटेंस ले लो, क्या होता है, बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, इतना पता है। और जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, वो और भी जो मॉलिक्यूल होता है वो मैटर के जो मटेरियल होता है, जो सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, उसकी सारी की सारी क्वालिटी को अपने अंदर रखे होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर पानी की बात करो, तो पानी का H2O मॉलिक्यूल ले लेते हो, चाहे तब आप 2 लीटर पानी ले लो या फिर खाली 1 मॉलिक्यूल ले लो, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, आपकी सेम होंगी। ठीक है, जो मॉलिक्यूल होता है वो भी स्मॉलर मटेरियल बना होता है जिसे बोलते हैं हम लोग एटम्स। ठीक है, और तो क्या होता है, जो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो इन्हीं एटम्स के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। अब एक एटम जो होता है वो क्या होता है, एक न्यूक्लियस उस पर होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस क्या होता है, उसमें आपके पॉजिटिव प्रोटॉन्स और चार्जलेस न्यूट्रॉन्स उसमें होते हैं, ये पता है आप लोगों को। ठीक है, ऐसा न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है, इसमें आपका पॉजिटिव प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं, न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अराउंड में हमारे पास में एक ऑर्बिट से सेल होते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होवर कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, और हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है इक्वल टू -1.602, ध्यान देना, 1.602 इंटू 10^-19 कूलाम चार्ज होता है हर एक इलेक्ट्रॉन पे। आप लोगों ने अब तक पढ़ा होगा -1.6 पढ़ा होगा, लेकिन 6 नहीं, 602 होता है। हाँ ठीक है, और प्रोटॉन पे कितना होता है, ये ई नेगेटिव था और ई पॉजिटिव, प्रोटॉन को भी हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना होता है, +1.602 × 10^-19 कूलाम। ठीक है, अगला देखो ये क्या होते हैं, दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, आपके दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है ना। अब क्या होता है, अब देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास का जो रेशियो होता है वो होता है 1840, मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन से 1840 टाइम्स छोटा होता है, मतलब मास बाय मास, मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि मेरे पास में एक प्रोटॉन है, इमेजिन करो उसका वेट 1840 केजी है, तो इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होगा, 1 केजी होगा, मतलब कि वो प्रोटॉन से इतना मास में छोटा है,
ठीक है। और जानते हो कि आपके पास में जो इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उस एक एटम में क्या होता है, आपके दोनों चार्ज बराबर हो जाते हैं, इसीलिए एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दुनिया का सारा एटम जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना, ठीक है। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, अगर मान लो कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, किसी भी एटम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। पहले बराबर थे, अब इलेक्ट्रॉन चले गए, तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, तो उस पर क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, ठीक है। और कोई अगर एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो क्या होगा, उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, उसको बोलते हैं आयंस बोलते हैं, कटायंस एनायंस आप लोग जानते हो अच्छी तरह से। अब बात करते हैं व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे एटम से वीकली बाउंडेड होते हैं, मतलब न्यूक्लियस से वीकली बाउंडेड होते हैं बाय फोर्स, ठीक है। अगर हम उसको थोड़ी सी भी हीट या फिर थोड़ी सी भी कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, वो अपने लास्ट जो ऑर्बिट होता है छोड़ के वो बाहर निकल लेते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे होते हैं हमारे पास में जो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इसको मैंने थोड़ा सा एनर्जी दिया तो क्या हो गया, ये अपने ऑर्बिट से निकल के बाहर आ गया और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। यहाँ तक समझ में आता है। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब कि हमारे पास में जो, इमेजिन करो अगर मान लो मेरे पास में यहाँ पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ ना कुछ रिपल्सिव फोर्स या फिर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, बोलो करेंगे, ठीक है। हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, किधर से किधर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड ना बेटा, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, उसमें नॉर्थ टू साउथ होता है या फिर साउथ टू नॉर्थ होता है, तो क्या होता है उसमें, ऐसा नहीं होता, वहां पे वो नॉर्थ टू साउथ जाता है और यहाँ पे क्या होता है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मान लो कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, हमारे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये लोग एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, हमारे पास में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो कि लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या है, ये क्या हमारे पास में, ये लास्ट ऑर्बिट है, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यही यूजुअली फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते हैं, ठीक है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कॉज करते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब भी हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उधर से अट्रैक्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उसके अपोजिट में हमारे पास में करंट जनरेट होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी हमारे पास में, अच्छा एक चीज और, जब भी हमारे पास में नेगेटिवली चार्ज बॉडी कनेक्ट होता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से, तो क्या होता है, तो एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव बॉडी पे होते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, देखो यहाँ पे क्या है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसको इस वाले को ध्यान से ऑब्जर्व करना, देखो क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, अब इस पर जंप कर गया,
इस गिफ इमेज में देखो, यहाँ पे आके इस पे जंप कर गया। क्या हो रहा है कि हमारे पास में यूजुअली जो था ये वाला जो एटम था ये क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था, मतलब इसमें कुछ भी पहले नहीं था। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन था एक एक्स्ट्रा, ठीक है। तो क्या होगा, ये ऑर्बिट करेगा और इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिसीव करेगा, तो क्या करेगा यहाँ पे आके वो यहाँ पे जंप कर जाएगा। समझ आ रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्यों करता है ऐसा, ताकि यहाँ पे जो हमारे पास में लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसको कंप्लीट करने का क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाएगा, ठीक है। अब चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, देखो मतलब कि आपके पास में ऐसा समझ लो कि कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एक्सचेंज हो रहे हैं, उसको बोलते हैं मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। हमारे चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। और इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको सारी चीज़ पता है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, जब मान लो कोई भी अभी हमने देखा था कोई भी एटम हमारे पास में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस पर, और इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली क्या होता है, क्यू इसका यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू एन ई, जहाँ पे एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है चार्ज कितना होता है, हाँ क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। ये होता है क्यू इक्वल टू एन इन टू ई, यहाँ एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिपेंड करता है अपने अपने क्या कर रहे हो। अभी हम लोग खाली इसका मॉडुलस टाइप में हम बात कर रहे हैं, हम अभी जब भी बात करेंगे हम लोग मॉडुलस ही बात करेंगे, मॉडुलस मतलब खाली हम लोग नंबर की बात करेंगे, हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है। अब हम लोग जब पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करना हो तो हम मैं खुद बता दूँ कहाँ पर कंसीडर करना है अभी, ठीक है। हम खाली हम लोग इसके क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस 1.602 इनटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अगर मान लो कि मैं बोलूँ कि अब प्रोटॉन्स मतलब कि कोई पॉजिटिव आयन इकट्ठा है, मतलब पॉजिटिव, देखो प्रोटॉन्स तो मैं न्यूक्लियस निकाल नहीं सकता बट मैं पॉजिटिव आयन बना सकता हूँ, मैं बोलूँ पॉजिटिव आयन इकट्ठा है तो ई कितना हो जाएगा प्लस 1.602 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो जैसे ये बोल रहे थे क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इन केस ऑफ पॉजिटिव आयंस और आई हो जाएगा इन केस ऑफ नेगेटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब बताते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होता है, देखो सीधे सीधे अगर छोटे शब्दों में बताऊं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। या फिर ऐसे बोलो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू कंडक्टिंग मीडियम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखोगे तो कुछ ऐसा आएगा, इसका क्या होता है कि अगर मान लो क्यू कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इन टी सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है एक मीडियम से एक कंडक्टर से, तो आई जो हो जाएगा क्यू बाई टी। अब क्यू क्या होता है कूलम और आई क्या होता है टी क्या होता है सेकेंड, तो इसकी जो यूनिट हो जाती है हमारे पास में कूलम पर सेकेंड होती है, या फिर इसको हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वन एम्पियर, तो क्या होता है वन कूलम चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन वन सेकेंड, देन इट विल बी नोन एज वन एम्पियर, ठीक है। वन एम्पियर का डिफरेंस समझ में आई, कि एक कूलम चार्ज एक सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है किसी भी मीडियम से, तो उसको बोलेंगे हम लोग वन एम्पियर, कंप्लीटली वन एम्पियर, नथिंग एल्स, ओके। यहां तक समझ में आ रहा है, आगे बढ़े ना। अब क्या होता है, देखो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होता है, लेकिन क्या होता है जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो कैसा होता है हायर टू लोअर होता है, मतलब करंट क्या होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा। देखो ऐसा था, वैसे यूजुअली तो होता क्या है कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रेवल करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के डिस्कवरी से पहले इलेक्ट्रॉन्स के लिए उससे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी का अजम्पशन किया गया था वो क्या क्या बोला गया था, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। पहले हम लोग पहले के लोगों को पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं तो हमारे पास करंट जनरेट होता है, उनका अजम्पशन ये था कि कुछ पॉजिटिव पे होता है, पॉजिटिव वोल्टेज से नेगेटिव वोल्टेज की तरफ जाता है
तो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो जब बाद में पता चला था कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, इसकी वजह से होता है, तो लोगों ने उस पहले पुरानी थ्योरी को हटाने की जगह पर क्या बोला कि चलो ठीक है मान लेते हैं हम से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल करते हैं तो हमारा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन इसलिए बोलते हैं, कन्वेंशन मतलब पुरानी चीज़ है, ठीक है। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये देखो ये हमारे पास में एक सेल है, ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा है, हाँ पास इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो रहा है, दिखाया है फ्लोर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लोर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और करंट कैसे फ्लो हो रहा है आपस में, ऐसे फ्लो हो रहा है, समझ आ रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहा है। अब बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। करंट करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, सेल हम इसको उल्टा लगा दें, हाँ तो कोई ना उल्टा लगा लो, क्या दिक्कत है, बस खाली ये ध्यान रखना पड़ता है इसमें, इस सेल में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम आपस में यहाँ पर जो अपने डिवाइस लिया हुआ है वो बाइपोलर होना चाहिए। बाइपोलर मतलब क्या होता है, जो डिवाइस लिया हुआ है बाइपोलर होना चाहिए। बाइपोलर मतलब क्या होता है कि इसकी पोलैरिटी फिक्स नहीं होनी चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस ले लो, रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव होता है, ऐसा होता है क्या, नहीं, इसको आप टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी कनेक्ट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारे पास में एक बाइपोलर डिवाइस होता है। अब मानते हैं हम लोग डायोड ले लिया, एलईडी ले लेते हैं, चलो एलईडी ले लेते हैं, तो एलईडी का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये लाइट निकल रही होती है, ये सिंबल होता है, तो यहाँ पे एलडीआर ऐसा होता है, एलडीआर हमारे पास में ऐसा होता है, इस पर लाइट फॉल हो रही होती है, हमारे एलईडी से हमारे पास लाइट निकल रही होती है, ऐसा होता है एलईडी, एलडीआर हमारे पास में ऐसा होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास में ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। अगर मान लो कि मैंने क्या किया, यहां से मान लो यहां पे मैंने एक सेल कनेक्ट कर दिया जो कि उल्टा लगा था, तो क्या होगा, यहां पे इसका जो डिप्लीशन लेयर होगा वो इसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। डिप्लीशन लेयर पता है आप लोगों को, अगर नहीं पता तो हम लोग अभी जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिप्लीशन लेयर क्या करेगा, इसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमारे पास में क्या होगा, ये एक्सेसिव चार्ज होगा इसके पास में, तो ब्लॉक ये कर नहीं पाएगा, एंड इन द एंड ऑफ रिजल्ट क्या होगा, ये हमारी जो एलईडी होगी वो क्या जाएगी, फूक जाएगी, काम करना हमारे बंद कर दी जाएगी, बंद कर देगी जो डिप्लीशन लेयर, जिसकी वजह से हाँ मतलब बैरियर बनाती है। इन शॉर्ट यहाँ पे हम लोग डिप्लीशन लेयर को ही यूज करके हम लोग लाइट इमिट लाइट निकालते हैं, ठीक है। जो हम इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं ना उसी वजह से हम लोग लाइट निकालते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जंप करेंगे तो जो फ्लोरोसेंट की उस पर लगी होती कोटिंग लगी होती है वो फ्लोरोसेंट कोटिंग बर्न हो जाएगी, ठीक है। फ्लोरोसेंट की कोटिंग जो होगी ना इस पर जब आप एलईडी देखते हैं तो आपको व्हाइट कलर की कुछ दिखाई देती है ऊपर से, तो जो व्हाइट कलर की होती है हाँ तो वो आपकी फ्लोरोसेंट की कोटिंग होती है, ठीक है। उस पर हमारे पास में एक्स्ट्रा एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आएंगे और हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या होगा, कुछ ना कुछ हीट अमाउंट ऑफ हीट उसमें होगा, तो उतना जब एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन पे पहुंचेगा तो क्या होगा, फ्लोरोसेंट की जो कोटिंग होगी वो बर्न कर जाएगी, तो क्या होगा हमारे पास में, वो जलना बंद कर देगा। तो डिपेंड करता है, देखो तो ये क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया यूनिपोलर डिवाइस, यूनिपोलर डिवाइस। तो हमको अगर मान लो कुछ कन्वर्ट करना है, कुछ उल्टा सीधा करना है हमको, तो उसमें हमको ध्यान देना पड़ता है कि जो डिवाइस है वो क्या यूनिपोलर है बाइपोलर है। अगर यूनिपोलर होगा तो कभी मत करना, वो डिवाइस खराब हो सकता है, अगर बाइपोलर है तो कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होते हैं। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी एक पॉइंट पे इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक लाने में, किसी चार्ज को लाने में जितना काम आप करते हो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ मान लो बस मैं यहाँ पे कोई एक प्लस क्यू का चार्ज था, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। तो इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब इस फील्ड के बाहर क्या चीज हो रही है, क्या चार्ज को पता है, नहीं पता है, तो इसको बोल देंगे हम लोग इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे आप लोग इस रूम में बैठे हुए हो, ठीक है। अब इस रूम में देखो, अब इस रूम के बाहर दुनिया में क्या हो रहा है क्या आप जानते हो, आपके घर पे क्या हो रहा है सब जानते हो, नहीं जानते हो, तो क्या हो गया वो आपके लिए, जो चीज आप नहीं जानते हो क्या कहलाती है, इन्फिनिटी। तो इसीलिए इस चार्ज के बाहर क्या हो रहा है, इस चार्ज को नहीं पता,
इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर क्या हो रहा है इस चार्ज को नहीं पता, तो उसको बोलेंगे हम लोग एट इन्फिनिटी। तो किसी भी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट, मान लो पॉइंट बोलता हूँ ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे कोई चार्ज मान लो क्यू नॉट लेके आता हूँ मैं, क्यू नॉट में टेस्ट चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, तो इसको लाने में जितना भी मैं काम करूंगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हाँ कोई भी लिख रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब यूनिट ऑफ डब्ल्यू क्या होता है जूल, और क्यू का क्या होता है कूलाम। ठीक है, तो क्या होगा जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट। ठीक है, तो क्या हो गया ऐसा यूनिट क्या होगी जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट, यहां तो कोई डाउट, आगे बढ़े। अब बात करते हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, समझना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना। मान लो कि मेरे पास में एक सर्किट है, इमेजिन कर लेते हैं एक सिंपल सा सर्किट है। ठीक है, अब एक चार्ज है क्यू नॉट, उसको इस पॉइंट ए से लेके इसी सर्किट एक पॉइंट बी तक लाने में जितना मुझे काम करना पड़ेगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो वही चीज लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू, ना यहाँ पर चार्ज क्यू नॉट है इसी सर्किट में, इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरी जगह पर ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा उसको बोलते हम लोग, ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब मान लो कि हमारे पास एक चार्ज क्यू है यहाँ पे, मान लो क्यू है यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा, अब यहाँ पे पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट इसके बीच में भी ले जाएगा, तो ले जाऊंगा जितना काम करना पड़ेगा उसको बोलेंगे हम लोग मर्जी, हाँ ना डिस्टेंस नहीं, जितना काम करना पड़ेगा उसको बोलेंगे हम लोग, हाँ ए से बी तक लाने में जितना भी काम करना पड़ेगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज होती है ईएमएफ। व्हाट इज ईएमएफ? देखो, ऐसा एनर्जी जो कॉज करता है द फ्लो ऑफ करंट। व्हाट इज ईएमएफ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐसा फोर्स या फिर ऐसी एनर्जी, ऐसा फोर्स जो कि एक एनर्जी से जनरेट होता है जो कॉज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेल है, तो सेल के जो टर्मिनल्स होते हैं वहां पे हमारे पास में पोटेंशियल, ऑल द पोटेंशियल वो मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, लेकिन उस सेल के अंदर जो फोर्स जनरेट होता है उसको बोलते हैं हम लोग ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, क्या हो गया? इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, मोटिव मतलब पता है आप लोगों को, जिसका मोटिव होता है। ठीक है, तो ऐसा फोर्स जिसका मोटिव क्या हो वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाए उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो तीनों में यूनिट तीनों की सेम होती है, वोल्ट ही होती है, बस डिफरेंस क्या होता है कि आपस में इलेक्ट्रिक, हमने इस डेफिनेशन का डिफरेंस होता है, मतलब कंसेप्ट का डिफरेंस होता है। मैंने आपको तीनों का कंसेप्ट समझा दिया, यूनिट तीनों की सेम होती है। हाँ, सेल की बात कर रहे हैं, कोई भी हम सोलर पैनल के सेल की बात कर रहे हैं, मतलब किसी भी केमिकल सेल, इलेक्ट्रोमोटिव सेल, पीजोलेक्ट्रिक सेल, किसी भी सेल की बात करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है उसे बोलते हैं हम लोग ईएमएफ। ओके, अल्लो से बाहर जो टर्मिनल होता है वहां पे हम लोग उसे पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, लेकिन अंदर जो हो रहा होता है उसे बोलते हैं हम लोग ईएमएफ। या तो कोई डाउट? आगे बढ़े। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिलेशन विद करंट। नाउ व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? अगर मान लो कि कोई भी हमारे पास में एक पार्टिकल है जो कि स्पेस में से रैंडमली मोशन कर रहा है, कोई पार्टिकल स्पेस में से रैंडमली मोशन कर रहा है, तो उसके केस में क्या होगा? वो हमेशा अपना डायरेक्शन और स्पीड को चेंज करते रहेगा, होगा? तो अगर मान लो एक लिमिटेड एक टाइम टी में जितनी भी उसने वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन जितनी भी चेंज किया, मतलब जितनी भी वेलोसिटी थी उसकी, कभी मान लो V1 थी, कभी V2 थी, कभी V3 थी, अगर मान लो कि मैंने उसका एवरेज निकाल लिया, उस पूरे वेलोसिटीज का मैंने एवरेज निकाल लिया, तो उस एवरेज को बोलेंगे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसे ही हमारे पास में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रैंडमली मोशन करते हैं, ऐसा समझ आता है?
हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं, तो उस रैंडमली मोशन पे जितनी वेलोसिटी थी उसका मैंने अगर मान लो एवरेज निकालूं तो उसको मैं बोलूंगा डेथ वेलोसिटी। हाँ बोलो। हाँ, एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो, बिल्कुल वो भी कहलाएगा बिल्कुल। अगर आपने टी टाइम ले लिया, उसमें जितनी भी उसकी वेलोसिटी थी उसका मैंने अपने एवरेज निकाल लिया, ठीक है, या फिर मान लो इलेक्ट्रॉन जैसे ट्रेवल कर रहे हैं तो उन सबका वेलोसिटी एक कॉन्स्टेंट टी टाइम में उन सबका वेलोसिटी निकाल के उसका भी एवरेज ले लो तो भी वेलोसिटी कहलाएगा। आगे बढ़े, ये चीज होती है हमारे पास में, ठीक है, ये डिप वेलोसिटी दिखा रहा है यहाँ पर हमारे पास में, यहाँ से यहाँ तक गया ये वीडियो हो जाएगा यहाँ पे, मतलब हमें नहीं पता उसके अंदर कैसा मोशन हो रहा है, हम इतना जानते हैं कि भाई इतना टाइम पे यहाँ पे पहुँच गया तो मैं उसको बोलूंगा मैं डिप वेलोसिटी, दैट्स ऑल, ठीक है। अब जो करंट और रिलेशन क्या होता है इसके उसमें, ये फॉर्मूला ध्यान देख लेना, फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी, ठीक है, जहाँ पे एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ई का जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, ए होता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कंडक्टर का, हाँ जिस सेक्शन से वो फ्लो कर रहे हैं, जिस सेक्शन से वो फ्लो कर रहे हैं उसका एरिया कितना है वो, और वी डी होती है इसकी ड्रिप वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्स इसमें क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, इस फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लेना। हाँ मतलब ऑल्दो तो वो बड़े लार्ज क्वेश्चन में आ जाते हैं, मतलब कि एमसीक्यू में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आगे बढ़ें।